आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक 11वां अध्याय वचन 26 से 43। फिर नबात और सरुआह नामक एक विधवा का पुत्र यरोबाम नामक एक प्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहियाह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहियाह ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अश्तोरेत और मुआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएँ और विधियाँ मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूँगा, परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूँगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूँगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इसराइल पर राज्य करेगा। यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएँ माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियाँ और आज्ञाएँ मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इसराइल को दूँगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूँगा तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इसराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।